पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के दिशा निर्देशन पर काम कर रही राजधानी कमिश्नरेट पुलिस को एक और कामयाबी हासिल होती नजर आ रही है। ताजा मामला लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र का है, जहां काकोरी पुलिस टीम व डीसीपी दक्षिणी की सर्विलांस सेल ने दो शातिर चोरों को दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोनों शातिर चोरों के पास से 25 मोबाइल फोन, एक एलईडी टीवी, दो तमंचे व 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। डीसीपी रईस अख्तर ने बताया कि 8 और 9 जनवरी की रात थाना काकोरी के मोबाइल शॉप पर जो चोरी हुई थी, उसी कड़ी में दो शातिर चोरों को काकोरी पुलिस और सर्विलांस टीम ने पकड़ा है। काकोरी क्षेत्र में जो गिरफ्तारी हुई, सर क्या मामला है, कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? ये थाना काकोरी में 8 और 9 की रात को मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से, जो अंधे की चौकी के पास स्थित है, वहाँ से कुछ मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी चोरी हुई थी। उसी सिलसिले में थाने की पुलिस और सर्विलांस की टीम द्वारा दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो बेसिकली उन्नाव के रहने वाले हैं। और इनके पास से 25 मोबाइल, दो नोटपैड टैबलेट और एक एलईडी टीवी, मोटरसाइकिल और दो अवैध तमंचे, मय कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। सर, ये लोग कब से सक्रिय थे? ये सक्रिय काफ़ी पहले से हैं, हालांकि अभी तक इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम लोग को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन हम लोग उन्नाव से भी और आसपास के थानों से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी कर रहे हैं। जैसे कुछ मालूम चलता है, हम आप लोग को अवगत कराएंगे। सर, राजधानी लखनऊ के अलावा क्या बाहर भी इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है? हाँ, संभवतः ये उन्नाव के रहने वाले हैं, वहाँ के भी दुकानों और घरों को इन्होंने निशाना बनाया होगा। हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, गिरफ्तार करने में अहम भूमिका किसकी रही? ये हमारी संयुक्त टीम है, जो थाने की और सर्विलांस की, जो डीसीपी साउथ साहब की सर्विलांस टीम है, उसका इसमें अहम रोल रहा। सर, क्या कुछ इनाम भी दिया जाएगा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम? नहीं, अभी तो इनाम कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाँ, हम लोग अभी इसको पूरा केस को चेक करेंगे और जो भी होगा इनको उपयुक्त इनाम दिया जाएगा टीम को। सर, क्या इनके कुछ साथी अभी भी फरार हैं क्या? नहीं, पूछताछ में अभी एक तीसरा साथी जो नाम आ रहा है, वो फरार चल रहा है। हम लोग उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश नाम है उसका, और वो भी उन्नाव का ही रहने वाला है।